हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू आर क्लास ऑफ इंग्लिश एंड हेयर वी आर गोइंग टू लर्न आर पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। एक्चुअली बेटा वी हैव कंप्लीटेड आर ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम फुटप्रिंट्स, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, बिकॉज 3 and 4 आर डिलीटेड फॉर दिस सेशन ओनली। चैप्टर नंबर उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, इट मीन्स वी हैव कम्प्लीटेड द बुक फुटप्रिंट्स एंड इन द सीरीज ऑफ बुक हिज फर्स्ट फ्लाइज वी हैव कम्प्लीटेड आर ऑल द पोएम एक्सेप्ट दिस 10th वन। दिस इज़ आर लास्ट पोएम टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल बी इन स्टेड ऑफ कम्प्लीटिंग ऑल द पोएम्स। ठीक है, देन वी विल स्टार्ट आर चैप्टर। सो लेट्स रीड दिस लास्ट पोएम। So the poem Tale of Custard the Dragon is written by Ogden Nash. Ogden Nash, so first of all let's read about the writer something. Actually the poem Tale of a Custard Dragon is a story, short story. The meaning of tale is short story. It's a short story about a ड्रैगन हु इज़ कस्टर्ड मीन्स क्वाड। हु इज़ क्वाड मतलब जो बहुत ही ज़्यादा कायर होता है, उस ड्रैगन की एक कहानी है। सो वी ऑल्सो कॉल दिस स्टोरी एज अ बैलड बिकॉज बैलड इज़ अ टेल, बैलड इज़ अ टाइप ऑफ पोएम। ठीक है, फॉर द बैलड यू हैव टू कीप इन माइंड 5 to 6 things। ओके, लेटर ऑन आई विल टेल यू कि बैलड क्या होते हैं, क्योंकि ये पोएम एक तरह से बैलड ही है। ये पोएम पैरडी भी है, तो बैलड क्या होती है, पैरडी क्या होती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो समथिंग अबाउट आर राइटर ऑगन नैश। सो ऑगन नैश वॉज बॉर्न ऑन 19 August 1902 इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में 19 August 1902 को पैदा हुए हैं। उन्होंने एक स्कूल टीचर के रूप में काम किया है पहले, उसके बाद वो एक कॉपी राइटर बन गए हैं। नैश फर्स्ट पोएम वर पब्लिश्ड इन न्यूयॉर्कर इन 1930। उनकी जो पहली पोएम थी वो कहाँ पब्लिश हुई थी, न्यूयॉर्कर जो कि एक मैगजीन है, वीकली है, उसमें पब्लिश हुई थी। फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंटाइटल्ड हार्ड लाइन्स वो पब्लिश्ड इन 1931 में। उनकी जो पहला पोएम का कलेक्शन जिसका नाम था हार्ड लाइन्स वो 1931 में पब्लिश हुई थी। उनकी एक बुक है द बॉय हु लाफ्ड एट सांता क्लॉस और दूसरी बुक है गर्ल्स आर सिली। ये दोनों ही उनकी बड़ी फेमस बुक हैं। एक्चुअली नैश इज परहैप्स रिमेम्बर्ड फॉर हिज नॉनसेंस पोएट्री। नॉनसेंस पोएट्री मतलब हंसी मजाक, ह्यूमरस पोएट्री के लिए जाने जाते हैं वो। सो ही वाज डाइड ऑन 19 May 1971। 19 मई 1971 को वो उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, सो दिस ऑल वी लर्नड अबाउट द राइटर। व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट द राइटर, नो क्वेश्चन इन आर एग्जाम वुड बी आस्क्ड फ्रॉम द राइटर डिस्क्रिप्शन, ओनली द नेम वी जस्ट कीप इन माइंड। इसका नाम पता होना चाहिए कि हमारी ये जो पोएम है ये किसने लिखी है। टेल द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन ये ओगन नैश ने लिखी हुई है। सो इस पोएम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एक्चुअली इट्स एन अम्यूजिंग पोएम। सो अम्यूजिंग का मतलब क्या होता है बेटा, अम्यूजिंग का मतलब होता है दैट इज़ वेरी एंटरटेनिंग। क्या होता है अम्यूजिंग का मतलब होता है एंटरटेनिंग। ठीक है, जो हमारे एंटरटेन करती वो होती है एंटरटेनिंग। तो ये बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग एक पोएम है, रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेड, जो कि बैलेड की तरह से लिखी गई है। तो बैलेड क्या होती है मैंने आपको पहले बताई है। एक्चुअली बैलेड इज़ अ नरेटिव पोएम, नरेटिव मतलब जो एक्सप्लेन करती है। सो बैलेड इज़ अ नरेटिव पोएम इन शॉर्ट स्टैंजा यूजुअली हैविंग 4 लाइन, जिसमें छोटे छोटे स्टैंजा होते हैं लगभग 4 लाइन के होते हैं। बैलेड हमें कहानी बताती है किसी की हीरोइज़म के बारे में, किसी के करेज के बारे में। हीरोइज़म का मतलब क्या होता है, उसकी बहादुरी के बारे में। करेज मतलब किसी के साहस के बारे में। सो बेटा फॉर बैलेड यू हैव टू कीप इन माइंड सम थिंग्स लाइक बैलेड क्या होते हैं, बैलेड इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरी। ठीक है, पहली बात तो ये एक क्या होती है, सॉरी इज़ अ टाइप ऑफ पोएम, ये पोएम का टाइप होता है। दूसरी बात हम क्या बताएंगे बैलेड के लिए, दैट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग। ठीक है, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग, सॉन्ग के रूप में होती है। विच इज़ संग बाय द वॉन्डरिंग ट्रूप्स, जिसको इधर उधर घूमने वाले जो घुमक्कड़ है वो गाते फिरते होते हैं। तीसरी बात हम इसके बारे में क्या याद रखेंगे कि इसमें क्या होती है, एक स्टोरी होती है। इट्स अ टाइप ऑफ पोएम पहली बात, दूसरी बात इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग, तीसरी बात इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरी। ठीक है, स्टोरी कंटेन होती है। चौथी बात हम क्या लिखेंगे अपने बैलेड के बारे में कि इट ऑल्सो कंटेन्स अ मोरल मैसेज। ठीक है, एक मोरल मैसेज होता है इसका,
ओके नेक्स्ट फिफ्थ थिंग हम क्या बात बताएंगे कि ये फोक कल्चर से रिलेटेड होती है. फोक कल्चर हमारा क्या होता है, लोकल कल्चर की बातें होती हैं. सिक्स हम क्या रखेंगे याद कि इट पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बताई जाती हैं. एक्चुअली वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द ट्रुथ और द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पोएम, हमें नहीं पता कि ये सच है या नहीं है, बट वी डिलीवर दिस टेल अगेन एंड अगेन जस्ट फॉर इट्स ए मॉरल मैसेज. लेकिन हम बैलेट्स को फिर भी बार बार बताते रहते हैं, शामिल करते हैं अपने लिटरेचर में. क्यों? क्योंकि इनके मॉरल पर्पज़ की वजह से होता है. ठीक है, सो बैलेट का आपको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है कि बैलेट वास्तव में टाइप ऑफ पोएट्री होती है, पोएम ही होती है. ठीक है, और कैसे होता है ये, इसमें एक सॉन्ग की तरह गाया जाता है एंड इट बेसिकली कंटेन्स अ स्टोरी विच हैव अ मोरल लेसन रिलेटेड टू द फोक कल्चर एंड इट ऑल्सो पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ऑल्दो वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस बैलेट ऑफ द स्टोरी, बट वी डिलीवर दिस टेल अगेन एंड अगेन टू प्रीच इट्स मॉरल लेसन. ठीक है, सो इस पोएम में रिवील हुई है हीरोइज्म ऑफ अ ड्रैगन. तो इस मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि बैलेट में हम क्या करते हैं, एक्चुअल में हीरोइज्म और करेज बताते हैं, किसी की बहादुरी के बारे में, किसी के साहस के बारे में बताते हैं. ऑफकोर्स इस पोएम में रिवील हुई है बहादुरी किसकी, एक ड्रैगन की. तो अब आप ये कहोगे कि मैम ड्रैगन तो अक्सर बहादुर होते ही हैं, बड़े ही मतलब भयंकर और बड़े ही बहुत बड़े जानवर होते हैं. तो एक्चुअली बेटा जिस ड्रैगन को हमें बताया जा रहा है वो ड्रैगन शुरू में नहीं था इतना ज़्यादा करेज वाला, वो डरपोक था. बाद में उसने अपनी हीरोइज्म को कैसे बताया ये हम देखेंगे. बट इट इज़ रिटन इन अ वेरी लाइट वेन, बहुत हल्की फुल्की टोन में लिखा हुआ है. किस लिए? सो दैट द टू शो दैट द अपीयरेंस आर ऑलवेज डिसेप्टिव, ये दिखाने के लिए कि जो हमें दिखता है उससे हम धोखा भी खा सकते हैं. इंसान का जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो हमें धोखा भी दे सकता है. एक्चुअली वी लर्न द थीम द फिज़िकल अपीयरेंसेज आर ऑलवेज डिसेप्टिव इन वन ऑफ आर चैप्टर दैट इज़ हैक ड्राइवर. हैक ड्राइवर में हम ये थीम जो है, जो कौन सी अपीयरेंस आर ऑलवेज डिसेप्टिव, इसको पहले ही पढ़ चुके हैं हैक ड्राइवर में. ठीक है, सो द पोएम इज़ वेरी ह्यूमरस, मतलब हंसी मजाक वाली है इन सब्जेक्ट मैटर एंड इट ऑल्सो रिजेंबल्स अ पैरोडी. पैरोडी का मतलब क्या होता है, कोई भी सीरियस टॉपिक उनको उसको जब बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक वाले वे में बताया जाता है तो वो पैरोडी बन जाती है. ठीक है, एनी सीरियस टॉपिक ट्रीटेड इन अ वेरी ह्यूमरस वे इज़ कॉल्ड ए पैरोडी. तो क्या होता है, सीरियस टॉपिक होगा आपका ज़रूर, लेकिन उसको ट्रीट कैसे किया जाएगा, ट्रीटेड एज अ ह्यूमर. उसको ह्यूमरस वे में जब हम लेके जाएंगे तो वो क्या होता है, हमारी पैरोडी बन जाता है. ठीक है, सो नाउ लेट्स रीड समथिंग अबाउट आर पोएम. समरी वी विल नॉट डू राइट नाउ. सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्योंकि जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो समरी अपने आप हमारे दिमाग में सेट हो जाती है. तो पहले हम एक्सप्रेशन पे जाएंगे. ठीक है, सो द स्टैंजाज आर लाइक दैट. सबसे पहला स्टैंजा हमारा है, ब्लिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस. ठीक है, हमने पहला ही नाम पढ़ा है ब्लिंडा, यानी कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, ब्लिंडा. ब्लिंडा कौन है, एक गर्ल है, एक लड़की है. ठीक है, उसकी एज कोई रेफर नहीं की है. ठीक है, वो छोटी है बड़ी है इसके बारे में कोई रेफरेंस नहीं है, बट ये है कि ब्लिंडा एक लड़की है. लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस, छोटे से घर में रहती है, विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस. यहाँ पे करेक्टर्स चीज़ बता दी, अपने पेट के साथ रहती है. तो उसके पेट्स कौन कौन से हैं, ब्लैक कलर का तो किटन है, बिल्ली का बच्चा है, ग्रे कलर का माउस है, लिटिल येलो डॉग, येलो कलर का छोटा सा कुत्ता, सारे लिटिल हैं, छोटे छोटे हैं, लिटिल रेड वैगन, और सभी छोटी सी लाल गाड़ी में रहते हैं. लेकिन रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, उनके साथ और कौन रहता है, एक रियलिटी में ही एक पालतू ड्रैगन भी रह रहा है. हम आपको रियलिटी बताते हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं कि उनके साथ एक ड्रैगन भी रहता है, पेट ड्रैगन रहता है. सो ये जो आपका पेट ड्रैगन वर्ड यूज़ किया हुआ है, ये खुद में क्या है, एक आयरनी है. ठीक है, मतलब पेट भी बोल रहे हैं उसको, ड्रैगन भी बोल रहे हैं. ड्रैगन कैन नॉट बी पेट ना, दैट्स वाई वी आर सीइंग पेट ड्रैगन में क्या है, कायरन है. जहाँ पे अपोजिट वर्ड ऑक्सीमोरोन भी आप इसको बोल सकते हो कि पेट पालतू हो गया है और उसके साथ हम क्या ले रहे हैं, ड्रैगन ले रहे हैं. तो ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीमोरोन भी हो जाता है. ठीक है, रियलियो ट्रूलियो, रियलियो ट्रूलियो का मतलब क्या होता है बेटा, कि रियलिटी में हम आपको बता रहे हैं. ठीक है,
और ट्रूलियो का मतलब बिल्कुल ट्रूथ बता रहे हैं, ये वर्ड आपको यूज़ किए गए किस लिए, ह्यूमर क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके सो एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन फिर से देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या होगी हमारी, कि ओपनिंग स्टैंजा हमें इंट्रोड्यूस करता है हमारे कैरेक्टर से, पोएम के कैरेक्टर से। ब्लिंडा जो कि ओनर है एक छोटे से वाइट हाउस की, उसके फोर पेट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ लिटल ब्लैक किटन, देन देर इज अ लिटल ग्रे माउस, देन ऑल्सो अ येलो डॉग लिव्ड इन अ लिटल रेड वैगन। वैगन का मतलब क्या होता है, गाड़ी होता है, ठीक है। एंड देर ऑल्सो लिव्ड अ पैट ड्रैगन, सो वी आर टेलिंग इन रियलिटी दैट द ड्रैगन ऑल्सो लिव्ड विद देम, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड स्टैंजा है हमारा, नाउ द नेम ऑफ द लिटल ब्लैक किटन वॉज इंक। तो इस स्टैंजा में हमें क्या दिया गया है, नेम बताए गए हैं सबके। पहले स्टैंजा में क्या था कि ब्लिंडा कौन है और उसके पेट्स कौन कौन से हैं। सेकंड में हम बता रहे हैं पेट्स के नाम क्या क्या हैं। नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, करेक्टर के नाम बताए गए यहाँ पे। क्या नाम है कि जो ब्लैक किटन है, जो बिल्ली का बच्चा है जिसका कलर ब्लैक है, उसका नाम क्या है, इंक है। लिटिल ग्रे माउस, उसका नाम क्या है, ब्लिंक है। लिटिल येलो डॉग, उसका नाम क्या है, मस्टर्ड, बिकॉज ही शो शार्प, ठीक है। ड्रैगन वॉज अ क्वाड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, लेकिन ड्रैगन सारों में कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी है, लेकिन ड्रैगन कैसा है, ड्रैगन तो कायर है, क्वाड है, इसलिए उसको क्या कहा गया है, कस्टर्ड कहा गया है, ठीक है। सो इंट्रोड्यूसिंग द कैरेक्टर फर्दर, द पोएट टेल्स अस दैट द लिटिल ब्लैक किटन नेम वॉज इंक एंड टाइनी माउस वॉज गिवन द नेम ऑफ ब्लिंक। लिटिल डॉग ऑफ येलो कलर वॉज वेरी शार्प, दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड मस्टर्ड, बिकॉज मस्टर्ड इज़ नोन। यहाँ पे मस्टर्ड की क्वालिटी बता दें कि मस्टर्ड यूज डॉग के लिए क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि मस्टर्ड इज नोन फॉर इट्स शार्पनेस, पंजेंट टेस्ट। पंजेंट का मतलब बड़ा तीखा स्वाद होता है, ठीक है, बड़ा तेज स्वाद होता है, इसके लिए जाना जाता है मस्टर्ड। ड्रैगन, ड्रैगन को क्वाड कहा गया है, टिमिड कहा गया, कायर कहा गया, डरपोक कहा गया है, वीक कहा गया है, क्यों, क्योंकि वो कस्टर्ड की तरह से क्वाडाइस दिखाता है, मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कायर है, बहुत ही ज़्यादा डरपोक है वो, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया भाई, कस्टर्ड रख दिया गया है, जो बिल्कुल स्वाद में फीका सा होता है, जिसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। तो ऐसा कौन है, हमारा ड्रैगन है। हमने पढ़ लिया है अपने नाम, पेट्स के कौन कौन से नाम दिए गए यहाँ पे। इंक नाम है ब्लैक किटन का, ब्लिंक नाम है ग्रे माउस का, मस्टर्ड नाम है येलो डॉग का, और कस्टर्ड नाम है हमारे पेट ड्रैगन का, ठीक है। अब थर्ड में हम पढ़ते हैं अपने ड्रैगन के बारे में, क्यों, क्योंकि हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो ड्रैगन ही है। नाम भी तो सजेस्ट करता है ना हमें कि द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। तो ड्रैगन की ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स बताई होंगी, तो यहाँ पे ड्रैगन का फुल्ली फिजिकल अपीयरेंस दिया हुआ, दिखने में कैसा है। एक्चुअली द पोएट गिव्स अस ए वेरी हॉरिफिक अपीयरेंस ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन, हमें बड़ा ही डरावना अपीयरेंस देता है कस्टर्ड द ड्रैगन का, ठीक है। कैसे, कि ही लुक्स लाइक अदर ड्रैगन वेरी डेंजरसली, दूसरे ड्रैगन की तरह बड़ा डेंजरस दिखता है, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी बिग टीथ एंड द टीथ आर नॉट ओनली बिग बट दे आर वेरी शार्प ऑल्सो। इट हैड द स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स बॉडी एंड अंडर इट्स बॉडी देर वर द स्केल्स ऑल ओवर, ठीक है। बॉडी के ऊपर तो काटे काटे लगे हुए हैं, और जो निचली स्किन है उसके ऊपर क्या है, धारियाँ बनी हुई हैं। माउथ लाइक फायर प्लेस, उसका जो रेड माउथ है उसकी कंपैरिजन एक फायर प्लेस की, एक भट्टी से की गई है, ठीक है। ही हैज़ अ वेरी बिग नोज़, एक बहुत बड़ा उसका नाक है, जिसकी हम चिमनी से कंपैरिजन करते हैं कि चिमनी के जैसे एक बहुत बड़ा नाक है जिसमें से आग उगलने के बाद धुआं निकलता है। एंड रीड यू थ्रू योर डैगर्स ऑन हिज टॉयज एंड दिस इज द ट्रू थिंग दैट द नेल्स ऑन द टोज ऑफ द ड्रैगन वॉज वेरी शार्प लाइक द डैगर्स। डैगर्स क्या होता है बेटा, ये ड्रैगन वर्ड है डैगर्स, या DAGGERS। डैगर्स क्या होता है, छुरा होता है, ठीक है, तेज जो छुरा होता है ना उसको बोलते हैं डैगर्स। तो उसके टोज पे जो नेल हैं वो इतने शार्प हैं जैसे कि कोई डैगर्स होता है, जैसे कि कोई क्या होता है, छुरा होता है, ठीक है। तो बड़ा ही फियर्स कंपैरिजन दिया गया है ड्रैगन की बॉडी का। तो वो क्या कहा गया कि ऑन द टॉप ऑफ इट्स बॉडी देर वर स्पाइक्स एंड अंडर हिम देर वर द स्केल्स। पोएट यूजेस सिमिली टू डिस्क्राइब द फियर्स अपीयरेंस। सिमिली का मतलब
भाई जैसे फर्नेस का यूज़ कर रहा है, चिमनी का यूज़ कर रहा है, तो कुछ सिमिली का यूज़ कर रहा है उसके फियर्स मतलब बड़े भयंकर अपीयरेंस के लिए, कि उसका फियर ही रेड माउथ, उसका जो भयंकर लाल मुंह, उसकी कंपैरिजन किससे की गई है, एक फर्नेस से की गई है। उस फर्नेस से क्या होता है, हमेशा आग उगलती रहती है। उसका जो नोज़ है वो इतना बड़ा है, इतना शार्प है जैसे कि कोई चिमनी होती है। उसके जो टोज पे नेल है वो बड़े शार्प है जैसे कि कोई डैगर होता है। और बार बार पोएट यूज़ कर रहा है रियलियो ट्रूलियो वर्ड को, इसका मतलब रियली होता है रियली को मतलब, और ट्रूलियो का मतलब क्या होता है, ट्रूली होता है। एंड पोएट यूजेज दिस वर्ड, वाई यूजिंग, ही इज़ यूजिंग दिस वर्ड बिकॉज ही वॉन्टेड टू क्रिएट अ कॉमिक इफेक्ट टू द पोएम। नेक्स्ट वे रीडिंग अबाउट ब्लिंडा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, बहादुरी के बारे में, कि कितने कितने बहादुर क्रीचर्स हैं ब्लिंडा के। सो ब्लिंडा, सबसे पहले ब्लिंडा की ब्रेवरी बताया गया है। ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो भाई स्टैंजा में कैरेक्टर्स कौन है, ये व्हाइट हाउस के कैरेक्टर्स हैं। एंड ब्लिंडा हु इज़ द ओनर ऑफ द हाउस वॉज वेरी ब्रेव एंड हर ब्रेवरी हैज़ बीन कम्पेयर्ड विद लार्ज नंबर ऑफ बियर्स हु पुट टुगेदर इन अ बैरल। बैरल का मतलब होता है टैंक होता है, टैंक में बहुत सारे बियर्स को डाल देंगे, इतनी बहादुर है हमारी ब्लिंडा। इंक एंड ब्लिंक चेज लॉयंस डाउन स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक दोनों ही इतने ज़्यादा ब्रेव हैं, कितने ज़्यादा ब्रेव हैं कि वो शेर से भी नहीं डरते हैं। दे कुड गिव अ चेज टू लॉयंस ऑल्सो, वो क्योंकि वो शेर से डरते नहीं तो वो शेर का पीछा भी कर सकते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड नाम का जो डॉग है वो इतना बहादुर है जितना कि कोई भी गुस्से में टाइगर हो सकता है। रेज का मतलब क्या होता है, गुस्सा होता है, ठीक है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड है ही वो सच अ क्राइड क्रीचर दैट ही ऑलवेज क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज बिकॉज ही वॉन्टेड टू रेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो रेस्ट करना चाहता, ही डिडंट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब बाई एनी वन, चाहता है कोई इसको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए हमेशा नाइस सेफ केज के बारे में बोलता रहता है। तो हमारे जो ब्लिंडा है वहाँ पे किसके बारे में बात करे, अपने एनिमल की ब्रेवरी के बारे में बात करती है। सबसे पहले हमारा जो नरेटर है वो ब्लिंडा की ब्रेवरी बताता है। शी वॉज एज ब्रेव एज द बियर्स फुल ऑफ बैरल, ठीक है, जो बैरल बियर्स से भरा हुआ होगा उतनी ज़्यादा ब्रेव हमारी ब्लिंडा है, ठीक है। उसके बाद जो कैट इंक और माउस ब्लिंक है वो दे आर सो मच ब्रेव दैट दे डू नॉट फील अफ्रेड ऑफ अ लॉयन ऑल्सो, दे कैन गिव ऑल्सो चीज टू द लॉयन। डॉग मस्टर्ड फॉर हिज ब्रेवरी वॉज कंपेरेबल टू अ टाइगर इन एंगर, बट ड्रैगन वॉज वेरी वीक टीमिड एंड कम्फर्ट लविंग क्रीचर हु ऑलवेज डिमांडेड अ नाइस सेफ सिक्योर केज, ठीक है। नेक्स्ट वी आर लर्निंग अबाउट ब्लिंडा, हाउ शी ट्रीटेड हर पैट्स, कैसे ब्लिंडा अपने जो पैट्स उनको ट्रीट करती हैं। ब्लिंडा टिकल्ड हिम, टिकल्ड का मतलब कहता है टीज हिम, ठीक है, उसको चिढ़ाती रहती है। टीज हिम, शी टिकल्ड हिम मर्सीफुली, उसको बड़े ही क्रूअल वे में टिकल करती, इतना ज़्यादा उसको टीज करती, इतना ज़्यादा उसका मजाक उड़ाती है कि लगता है कि वो बड़ी क्रूअल हो गई है, बड़ी निर्दयी हो गई है अपने पैट के लिए। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड तीनों के तीनों मिलके उसको क्या बोलते हैं, परसीवल, ड्रैगन के बारे में बोल रहे हैं सारे। और ये सब सुन करके सारे हंसने लग जाते हैं उस लाल गाड़े में बैठे हुए। और दिस इज़ द वेरी ट्रू थिंग कि ड्रैगन कैसा है, एक बड़ा ही कोवार्ड ड्रैगन है। सो ब्लिंडा हु हैड अ वेरी बैड ओपिनियन अबाउट द ड्रैगन, ब्लिंडा क्या सभी की, ब्लिंडा एंड अदर पैट्स हैड अ वेरी बैड ओपिनियन अबाउट अ ड्रैगन द कस्टर्ड हु कंसिडर्ड हिम, कंसिडर कस्टर्ड द ड्रैगन अपने आप को क्या समझता है, वेरी कोवार्ड, बहुत ही डरपोक समझता है। दैट्स वाई शी यूज टू टिकल हिम टू मच, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा टिकल करती, बहुत ज़्यादा उसके टोंटिंग करती हैं। सो मच टिकलिंग वर्ज ऑन क्रुअलिटी, तो वो क्या कहता है, इतनी ज़्यादा टिकलिंग, इतनी ज़्यादा उसकी टीजिंग करती है कि लगता है कि वो उसके लिए बड़ी क्रूअल है। दूसरे जो पेट्स हैं द कैट माउस डॉग, वो सारे के सारे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके साथ जोक करते हैं, उसको परसीवल बोलते हैं। परसीवल क्या होता है भाई, टोंटिंग वे में बोलते हैं, अपोजिट वे में, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, आयरनी बोलेंगे, क्योंकि परसीवल जो है वो एक लेजेंडरी कैरेक्टर है, ठीक है। और ये कैरेक्टर क्या है, आर्थर किंग की एक जो बुक है राउंड टेबल, ठीक है, राउंड टेबल नाइट्स ऑफ किंग आर्थर, उस बुक का कैरेक्टर है परसीवल, जो कि बड़ा बहादुर था, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं,
उसको टीज करने के लिए उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। आगे भी इसको अच्छे से बताऊंगी मैं आपको इसके बारे में। ब्लिंडा और सारे पैट इन सब बातों को सुन के इतना ज़्यादा हंसते हैं, इतना ज़्यादा हंसते हैं कि पूरी गाड़ी को ही हिला डालते हैं वो। एंड बट कस्टर्ड ड्रैगन क्या करता है, वो अभी भी डर रहा होता है, वो स्टिल कॉलिंग फॉर ए नाइस सेफ केज। नेक्स्ट इज ब्लिंडा गिगल्ड। ब्लिंडा गिगलिंग कर रही है, ठीक है, गिगल का मतलब क्या था, हंसना, तेज तेज हंसना होता है। ब्लिंडा गिगल कर रही है, ठीक है, तो ब्लिंडा हमारी गिगल कर रही है, हंस रही है तेज तेज। यूज टू लाफ सो लाउडली एट द क्वार्टर्स ऑफ द ड्रैगन। ड्रैगन की क्वार्टर्स पे, ड्रैगन की कायरता पे बहुत ज़्यादा हंसती है। टिल शी शुक द हाउस, इतना ज़्यादा हंसती है कि पूरा घर ही हिलने लगता है। इंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, ठीक है। ब्लिंक ऑन, ब्लिंक हमारे माउस का नाम है, ठीक है, वो क्या करता है, वीक कहता है, जो कि चूहे के हंसने की आवाज़ होती है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज केज, ठीक है, इंक और मस्टर्ड क्या करते हैं, जब वो अपने नाइस सेफ केज की डिमांड करता है तो उससे उसकी एज पूछते हैं ताकि उसका मजाक उड़ा सके, ठीक है। सो ब्लिंडा लाफ करती है, बहुत ज़्यादा हंसती है ताकि वो ड्रैगन को क्वाड कह सके, ठीक है। कस्टर्ड शी लाव्ड सो मच दैट इट शुक ऑल द हाउस। ब्लिंक द माउस ऑल्सो लाव्ड एट हिम। एंड वेन कस्टर्ड डिमांड फॉर अ नाइस सेफ केज, देन ऑल द एनिमल इंक एंड माउस मेक फन ऑफ हिम बाई आस्किंग हिज एज। इट मीन्स दे आर सेइंग दैट ही इज़ लाइक ए बेबी, दैट्स वाई ही इज़ डिमांडिंग फॉर अ सेफ केज, ठीक है। ऑल दिस एग्जरेशन, मतलब बड़ा चढ़ा के जो दिखाया गया है वो किस लिए है, टू क्रिएट ओनली द ह्यूमर इन स्टैंजा। सो अप टू नाउ आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इन अ नेक्स्ट लेक्चर वी विल रीड नेक्स्ट स्टैंजा। स्टिल देन थैंक यू वेरी मच।